ठीक है खड़े रहिए नहीं आप देख लें ना देख लें तो नहीं आप नहीं ना नहीं नाम उधर जाने की दिलीप सर पूरा नाम दिलीप सर माना सर दिलीप शाह। नाजरीन इस वक्त हमारे बीच जुड़ गए हैं घर कहाँ पीछे रहे ना सर एक तो जरा सा पीछे चलिए तो सर जरा सा पीछे नाजरीन इस वक्त हमारे बीच जुड़ गए हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज लीडर जिसका बंगाल लेवल पे ज्योति बसु से बुद्धा भट्टाचार्य से एक अजब मोहब्बत था दिल से लगाव था। और सर क्या कहना चाहेंगे सर यूनिफॉर्म हॉस्पिटल का इनोग्रेशन को लेकर? यूनिफॉर्म हॉस्पिटल में एक मेरा दिल जुड़ा हुआ है ये जब शुरू हुआ इसका आगे उनसे हमसे बात हुआ था जो यह एक तो अच्छा हॉस्पिटल बनाना चाहिए। उन्होंने हमको बोला था एक तो जायगा मिलना चाहिए था तो जिस जायगा में जहाँ यूनिफॉर्म हॉस्पिटल बना ये मेरा एक बचपन का दोस्त था दोस्त का नहीं जिसका ज़मीन था ये ज़मीन जिसका था वो मेरा स्कूल क्लासमेट था उनको हम बोला तुम्हारा ज़मीन क्या तुम बिक्री करेगा हम बोला था जी एक हॉस्पिटल के लिए हम चाहता है। सर क्या शुभकामनाएं देंगे सर? शुभकामना तो यही है जो ये हॉस्पिटल बड़ा हो अच्छा हो यहाँ मोहल्ला का जो हॉस्पिटल का जो नाजरीन तो नाजरीन आप देख रहे हैं दिलीप सेन सर है हमारे बीच और पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहे लोकल जनता के साथ। सर जरा सर दो लाइन पहले बोल लीजिए बाद में हम निकल जाएंगे सर हम निकल जाएंगे। नाजरीन इस वक्त हमारे बीच जुड़ गए हैं जनाब शेख मुश्ताक उर्फ बच्चू दास जो कि वार्ड नंबर 139 के हर दिल अजीज लीडर हैं जो कि 24 घंटा आवाम के बीच रहना। यूनिफॉर्म हॉस्पिटल का इनोग्रेशन सर एक ऐतिहासिक कदम क्या बोलना चाहेगा बच्चू दास? ये मंडियापुरुज वासियों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट है बाबूलाल साहब की ओर से। क्या बोलना चाहेंगे ऐतिहासिक कदम बाबूलाल सर के जानिब से? एक सेकंड काटो काटो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बच्चू दास जो कि वार्ड नंबर 139 के काउंसलर हैं और आवाम के साथ जुड़े रहते हैं। एक ऐतिहासिक कदम बाबूलाल सर का सर क्या कहना चाहेंगे यूनिफॉर्म हॉस्पिटल का इनोग्रेशन? हाँ ये यूनिफॉर्म हॉस्पिटल का यूनिट नंबर 2 ये मंडियापुरुष के आवाम के लिए बाबूलाल दा की ओर से न्यू ईयर का गिफ्ट है। और जैसे हम लोगों को मालूम है कि हेल्थ इज़ वेल्थ इंसान जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा तो बाबूलाल साहब मंडियापुरुष के लिए बहुत कुछ किए हैं। एक दर्जी परिवार से उठकर आए हुए हैं और पूरा बंगाल के अंदर में उन्होंने अपना नाम को रोशन किया और अपना नाम के साथ पूरा मंडियापुरुष का नाम को उन्होंने रोशन किया। सर बच्चों का वार्ड जिस तरह से दिखाया गया है औरतों के लिए जो वार्ड दिखाया गया है वाकई गार्डन मंडियापुरुष के लिए एक बहुत बड़ा कदम है सर इसके बारे में टोटल मॉडर्न फैसिलिटीज़ इधर है जो मंडियापुरुष के अंदर में हम उस टाइम स्टेज में भी हम बोले थे कि दो चीज़ का जो कमी था एक मॉडर्न हॉस्पिटल वो हम लोगों को बाबूलाल साहब ने दिया है और हम स्टेज से ही उनको बोले हैं कि एक मॉडर्न स्कूल हम लोग को चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बच्चू दास आएगा ना तारीख और इस बीच हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सर ले लिया सर बहुत करीब आदमी है भाई माइनॉरिटी का आप इसलिए ले साथ में इसलिए इस वक्त हमारे बीच मौजूद है वार्ड नंबर 140 के अबू तारिक मुल्ला साहब जो कि काउंसलर हैं। कितनी खुशी महसूस हुई तारिक मुल्ला साहब जो आज यूनिफॉर्म हॉस्पिटल का इनोग्रेशन हुआ? बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत बढ़िया जगह पे हॉस्पिटल हुआ है ख़ास करके जो कनेक्टिंग है वो डॉक्टर लोग आने में बहुत जल्दी इधर पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छा सिस्टम किया है हम लोग देखा है पूरा ऊपर हम इसीलिए तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं हमारा बाबूलाल लश्कर को जो अच्छे से यूनिफॉर्म हॉस्पिटल चलाए और कुछ गरीब के लिए कुछ काम करें हॉस्पिटल में कुछ जो
फिनंशियल प्रॉब्लम में रहते हैं, अगर उसके लिए थोड़ा दो चार बेड रखे। गार्डनिंग में देखा गया है तारीख का, गार्डनिंग में एक जो ये हॉस्पिटल खुला है, वाकई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह पूरी फैसिलिटी है इसमें बच्चों का और वुमेंस का, इसके लिए तारीख मिला क्या बोलेंगे, क्या तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम लोग इधर से जाते थे खिदिरपुर, हम लोग इधर से जाते थे कलकत्ता हॉस्पिटल, इधर बहुत दूर दूर जाते थे। अभी आदमी का एकदम नियरेस्ट जगह, खास करके मेडियापुर जाऊँ के लिए नियरेस्ट जगह हो गया, और सबसे अच्छा जगह, बढ़िया जगह, प्लेस बहुत अच्छा है। इधर आपका आने जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा है, और इधर सिस्टम जो हम देखा आज बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, आने वाले दिन में अच्छा काम करेगा। बाबूलाल को क्या मुबारकबाद देंगे सर? तय दिल से मुबारकबाद, इतना अच्छा काम किया है उन्होंने, और हमारा मीडिया ब्रिज का जो आदमी जो जाता था दूर दूर में, अभी नज़दीक में हो गया, इसलिए उनको एक खास करके तय दिल से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अबू तारिक मुल्ला साहब थे, ठीक है ना सर।